अभी अकेले बैठे हुए, अभी कोई भी नहीं आया है, अभी शादी घर वाले तो कोई आया ही नहीं है। अभी शाम को और आपको देखने को मिलेगी हमारे हिंदू रीति रिवाज की शादियाँ MP की। चलिए फिर मिलते हैं, अभी तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि हम लोग अकेले बैठे हैं, हमारी दीदी की बेटी बैठी हुई है, हम दोनों ही आए हैं बस, और बाकी कोई लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। सब देखो सवानी सबके फोटो खींच खींच के रखती हूँ। हमारी भाभी लोग बैठी हुई है यहाँ पर, सब बैठी हुई है, ये मौसी की लड़की है यहाँ पर, सब देखो ये देखो यहाँ पर बैठी हुई है सब। देखिए हम लोग यहाँ पर आए थे शादी में, ये देखिए कैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल पानी वाला, हमारे भोपाल में बहुत पानी गिर रहा है। अभी मेरे को सर्दी भी हो रही है, इधर भी गार्डन है मैं दिखाऊंगी, ये नाइट की व्यवस्था है और अभी सब है ना यहाँ पर, देखिए देख लीजिए यहाँ पे सब तैयारियाँ चल रही हैं। हाँ मैं आई थी इधर व्लॉग बनाने, ये देखिए तैयारियाँ चल रही है हमारी सारी, और बाप रे पूरा मौसम ऐसा हो, ये देखो हमारी मौसी की लड़की है ये, और ये मुझसे बहुत छोटी, पर हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं मस्ती करके, और मेरे को लग रहा पानी ना गिरा है ना। नहीं देखिए पूरा डेकोरेशन है सब, नहीं बच्चे देखिए गार्डन है यहाँ पर, काफ़ी वेदर वो मौसम है ना बहुत ख़राब हो गया है, अभी मेहमान आ ही रहे हैं, है पैरामी हो रही है यहाँ पर, सब लोग पैरामी के लिए तैयार हो रहे हैं। पैरामी की तैयारी कर रहे हैं, गाइस आप देख सकते हो उस बच्चे को, मत कर देख रहा बना भी रही हो। हैं इनको सब कपड़े लेकर आए, बोलते हैं ना जो भात होती है
उसमें सारे लोग कपड़े लेकर आए हैं, बड़े बड़े जो रहते हैं हमारे यहाँ वही लाते हैं, छोटी बहनें नहीं लाती, ये मामा की लड़की खड़ी हुई है और मामा की बहू है, वो लोग भी कपड़े लेकर आई, तो सब अलग अलग अपने कपड़े पहना रही हैं और ये मामा की लड़की इनके कपड़े बटोर रही है, दो बोरी भर के इनके कपड़े हो गए थे और आप देख सकते लेडीजों की तादाद कितनी है, ये सभी लोग कपड़े पहना रही हैं इनको। हमारे यहाँ क्या होता है, जेंट्स को जेंट्स कपड़े पहनाते हैं मंडप में और लेडीज को लेडीज पहनाती हैं, तो वही चल रहा है यहाँ पे, लेडीज को लेडीज पहना रही हैं। और ये हमारी दीदी की वो जेठ की लड़कियाँ बैठी, और ये मेरी भतीजी है, बहू है और बहू की समधन है ये। और ये दीदी है ना, पैरामनी होने के बाद क्या होता है हमारे यहाँ पर, ये जो भात के रूप में दिया जाता है चावल, इसमें दाल मिली हुई है चने की और मूंग की दाल मिली हुई है, इसको खिचड़ी बोलते हैं। और ये जो बोरी में आप देख सकते हैं नारियल रखे हुए हैं, ये हमारे यहाँ देना जरूरी होता भात होने के बाद, ये शगुन माना जाता है इससे, तो वही दीदी सबको दे रही हैं। ये मेरे मामा की बहू बैठी हुई हैं, उनको दे रही हैं, दो दो मुट्ठी देते हैं, ज्यादा नहीं देते हैं। भात उतर रहा, काफी लेट हो गया था, 8:30 बज रहे हैं अभी शायद, इतना टाइम हो गया है और भात उतर रहा है। ये मेरे मौसा जी हैं, मेरे मौसा जी जो है ना मौसी की लड़की की शादी है वो है, बेचारे रो रहे हैं। क्या होता है, सबको लगता है थोड़ा दर्द होता है। और यहाँ पर हमारे यहाँ मंडप में दूल्हा आ चुका है और दूल्हा आ रहा है हमारे यहाँ, ये तिरपाल अड़ा लेते हैं यहाँ पर, साल तिरपाल जो भी होता है। तो देखिए जो लड़की है दुल्हन वो खड़ी हुई है, जो बेसन का जो लड्डू रहता है, जो हल्दी चढ़ती है उसको इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसको मारते हैं, लड़का तोरण मारता है यहाँ से और लड़की वो बेसन का लड्डू लड़के के ऊपर मारती है, तो वही हो रहा था। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है ना मतलब बारात लग चुकी है, तो ये दुल्हन बरमाला के लिए जा रही है, पर हमारे यहाँ मौसी की लड़की ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा था, पर बोलते हैं ना भगवान को जो मंजूर होता वही होता है, क्योंकि इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा, इनका सारा खाना खराब हो गया। मेरी मौसी के जो लड़की हैं उनके हस्बैंड नहीं है, पर फिर भी उनने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा, बहुत गुस्सा आ रही थी, ये पानी बंद नहीं हुआ। अभी रात को 12 बज रहे हैं और 12 के बाद ही जयमाला हो रही है 12:30 बजे। देखिए कितना बुरा लगता है कि आपके घर में शादी हो और पानी ना रुके, खाना भी आधे लोग नहीं खा पाए, ऐसे ही पानी काफी फिक गया खाना। मैंने भी अभी खाना नहीं खाया, 2 पूड़ी बड़ी मुश्किल से लेकर आई थी, 1 खाई, मुझे घिन टाइप की लगती तो मैं नहीं खा सकती। पूरा हलवा मतलब पूरा A to Z आइटम बनवाया था इन्होंने, सारा पानी पानी हो गया। और स्टेज का अरेंजमेंट तो इतना अच्छा करा था, जो अभी अभी नए नए वो चल रहे हैं, मतलब सारी चीजें इन्होंने रखी थी, पर बोलते हैं ना कि भगवान को बिगाड़ना रहता तो वो है ना बंद नहीं होता। और देखिए इस दिन तो इतना पानी गिर रहा था, इतना पानी गिर रहा था, बहुत ज्यादा ही पानी हो रहा था। और शादी तो अच्छे से संपन्न हो गई, बट फिर भी थोड़ा लगता है ना कि यार देखो इतना अरेंजमेंट करा कुछ नहीं हो पाया। और अभी भी है ना बहुत पानी आ रहा, बूंदे गिर रही है, देखते हैं रुकता है कि नहीं। और ये जो माला दे रही है वो मेरी मौसी की छोटी वाली लड़की है, मौसी की बेटी की छोटी वाली लड़की है। अभी मौसी की लड़की की 3 लड़कियां थी, तो इसमें 2 की शादी हो चुकी है ये मिलाकर, बाकी 1 ही लड़की अब उनकी बचेगी, बेटा भी बड़ा है, उसकी भी शादी हो चुकी है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे है ना, यहाँ पर फेरे की रस्में हो रही हैं, ये हमारे यहाँ पर तेल चढ़ा रहे हैं, तेल है ना जो लड़के पक्ष से आते हैं वो लड़की को तेल चढ़ाते हैं, और चढ़ावा चढ़ रहा है, जो गहने और कपड़े आते हैं वहां से ससुराल से वही सब चढ़ा रहे हैं। और ये मौसी की लड़की की बड़ी बेटी बैठी हुई है, ये उनकी बहू बैठी हुई है, सब हम लोग यहीं पर बैठे हुए आनंद ले रहे हैं। मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी उस दिन, मेरा गला अचानक से इतना बंद हो गया था कि मैं बोल नहीं पा रही थी, तो सब लोग मुझे देख देख के हंस रहे थे। चलिए अब आप शादी का आनंद लीजिए, आगे क्या क्या फंक्शन होते हैं, यहाँ पर फेरे पड़ेंगे, कन्यादान होगा, आप बिल्कुल आनंद लीजिए बैठ के आराम से।
हमारे यहाँ पे कन्यादान है ना, सभी लोग लेते हैं, फेरे पड़ने के बाद सब लोग ले सकते हैं कन्यादान। और ये जो कन्यादान ले रहे हैं वो मेरे बड़े जीजी जीजाजी हैं, और मैंने भी कन्यादान लिया था, बट किसी ने मेरा वीडियो नहीं बनाया इसलिए आपको दिखा नहीं है। और शादी यहाँ पर संपन्न हो चुकी है, फेरे तो पहले ही पड़ गए थे, वो भी मैं क्लिप नहीं ले पाई थी। और अब विदाई बचेगी जो मॉर्निंग में होगी, और वीडियो का यही मैं एंड करती हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप सबको। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड, गुड नाइट।